हेलो गाइस, ये उनके लिए है जो सो रहे हैं, जिन्हें कुछ परवाह ही नहीं है, जिनको सोना बहुत ज़्यादा पसंद है कि और उनको सोते हुए सपने बड़े बड़े देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये उनके लिए जो चाहते हैं कि मैं दुनिया में सबसे अलग तो करूं, मगर उनको करना तो कुछ होता नहीं है, बस बैठना होता है बेड पे और सोना होता है और दुनिया भर की बातें करनी होती है, और अपनी माँ को, अपनी मॉम को, अपने डैड को, अपने फैमिली को, अपने रिलेटिव को, और जो भी उनसे मिलता है ना, उनको ये बोलना होता है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा और मुझे कुछ बनना है, बट मेरे पास पैसे नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो अभी भी सोए हुए हैं। सो किसने रोका है? इतना सो जी भर के सो, जब तक तुम्हारा पेट ना भर जाए, माइंड थक ना जाए, सो सो के इतना सो, क्या फर्क पड़ता है? तुम सो जितना सोना चाहते हो सो, मगर सोने के बाद जब तुम जिस पोजीशन पे होगे, तब ये मत बोलना कि मेरे मेरे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था, मुझे कुछ बताने वाले लोग नहीं थे, मुझे यहाँ से कहीं किसी से मोटिवेशन नहीं मिला। अरे रखोगी क्या मोटिवेशन लेके, जब तुमको सोना ही होगा उस काम में। अरे जब देखो तब बेड पे पड़े रहना, या किसी के द्वारा कोई मुझे ला के दे देगा उसमें खुश होना, ऐसी कोई जिंदगी है क्या? तुम चाहते हो कुछ और बनना, तुम्हारे नसीब में कुछ और लिखा है, तो क्यों तुम अपनी नसीब को बदल नहीं सकते हो? अगर तुम्हें सोने में ही इतना मजा आता है, तुम हमेशा अपने आप को कहते रहते हो कि ये ठीक है, आज सोमवार है और कल मंगलवार हो जाएगा, तो मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा। अरे यार, फिर मंगलवार भी आ जाता है, फिर आता है 1 तारीख, ठीक है 1 तारीख से मैं कर लूंगा। क्यों बहाने मारते रहोगे? आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, और सारा दिन चला जाएगा। जो आपने अपने फैमिली वाले को, जो अपने आपने खुद से कमिटमेंट किया था कि ठीक है मैं 1 तारीख से कर दूंगा, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं? मगर वाय, कौन रोक रहा है मुझे? किसने बोला है भाई मैं अपने आप को क्यों धोखा दे रहा हूं? अच्छा, तुझे लगता है कि तू अपने आप को धोखा नहीं दे रहा है, तो किसे दे रहा है यार? कौन तेरी बातें सुनता है डेली अपने अकेले में बैठकर, जब तू सोने जाता है, जब बिस्तर पे होता है, तो कौन तेरी बातें सुनता है? तू खुद ही से ही बड़बड़ा रहा होता है ना, तब खुद से ही बात कर रहा होता है ना, तो क्यों लोगों को बता रहा है कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा? क्यों झूठ बोल रहा है अपने आप से? कुछ तो शर्म कर, इतनी सी भी शर्म बची होगी ना, कुछ तो शर्म कर, सोना छोड़ और उठ और खड़े हो। किसने बोला है तुझे सुबह 7-4 बजे उठना? नहीं होता मत उठ, 7 बजे उठ मेरे भाई, 7 बजे उठ, 8 बजे उठ, मगर कर तो सही जो तू करना चाहता है। बेड पे सोने के बाद में तारीखें चेंज करते रहना, आज सोमवार से स्टार्ट कर दूंगा, फिर 30 तारीख से स्टार्ट कर दूंगा, या 1 तारीख आएगी अब मैं उस दिन से स्टार्ट कर दूंगा। भाई कब तक? वो सारी तारीखें आके चली जा रही है और तू वहीं का वहीं है, क्यों? यही सोच रहा है ना, मम्मी आके उठाएगी और बोलेगी बेटा तेरा काम कर ले। ऐसे नहीं होता यार, उठ और खड़े हो, दिखा दे कि मेरे में भी दम है। मैं भी, सबसे बड़ी बात तो ये है ना, तो जो तुम जैसे लोग जो आलसी बने पड़े हुए हैं, पहली बात तो ये सोचते हैं कि मैं करूं कि नहीं करूं। तुम्हें दम तो इतना होता है कि ठीक है मैं कर लूंगा, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी पता है? कि मैं फेल हो जाऊंगा। अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो मम्मी क्या बोलेगी, पापा क्या बोलेंगे, तू गया क्यों वो लाइन में जब तुझको पता था कि मैं फेल हो जाऊंगा? अरे यार एटलीस्ट तू ट्राई तो किया उसमें, तेरे में इतनी हिम्मत तो आई। अरे फेलियर से डर मत, फेलियर को आगे बढ़ा, मैंने कहाँ पे गलती की उससे सीख और आगे निकल, मूव ऑन। रोका किसने है तुझे? यार सबसे मेन पॉइंट कि सोना है और सो के ड्रीमिंग करना है, कल मेरे पास बैंक बैलेंस होएगा, ये होएगा, वो होगा, सारी ये होगी, गर्लफ्रेंड होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, साली सपने में सपने देखते रह जाएगा जिंदगी भर, और जो तेरे साथ के लोग हैं ना, और आगे के आगे निकल जाएंगे बेटा। और याद रख लेना जीवन में कि कभी अगर तूने आज नहीं करके दिखाया ना, तो कल भी नहीं कर पाएगा बेटा, ये 100% लिख देना। और जो लोग की बात मिस कर रहा हूँ कि वे हैव अ न्यू रिलेशनशिप विद गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, जो भी है इनके पास, बहुत अच्छी बात है तुम्हारे पास। यार प्यार वो नहीं होता है कि जो आप अपने, अरे हाय सोना, हाय बेबी, हाय जानू, ये यार घंटों घंटों प्यार वो नहीं मांगता है कि तुम उससे दिन भर चिपके रहो, दिन भर लगे रहो मोबाइल पे, अपना काम धंधा छोड़ के। नहीं जी, वो खाली कुछ दिन ही अच्छे लगेंगे, जब उसके बाद में जेब में पैसा नहीं होगा ना, मनी भाई नहीं होंगे ना, वो भी नहीं मजा आएगा यार। फिर बोलेंगे यार काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं अपनी जरूरतें पूरी कर सकता, मेरी गर्लफ्रेंड की जो शौक है उसकी पूरी कर सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हार्डवर्क। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत।
कि जो मैं चाहता हूँ वो मुझे बड़ी आसानी से मिल जाए, मगर उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और वो हार्ड वर्क तुम तो करने वाले बिल्कुल भी नहीं हो भाई, क्योंकि तुम्हें सोना पसंद है ना, तो कहाँ से क्या बताऊँ तुम्हें यार, कैसे मैं समझाऊँ मैं क्यों इतना, मतलब जो आप सोचते हो कि मैं इतना एनर्जी वेस्ट करके मुझे क्या मिलने वाला है यार, मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मैंने अपने तरफ से पूरा मेहनत किया, पूरा एफर्ट डाला यार, मैं भी इतना नहीं सोचता जितना आप जो कुछ लोग सोचेंगे भाई, तू तो सोचता रहता है भाई, आके देख आ जा कभी आउटसाइड इंडिया के बाहर, कभी अच्छी जॉब मिल जाए आके देख किस तरह रहना होता है, किस तरह समझना होता है, किस तरह दूसरी कंट्री के लोगों के साथ में मिलजुल के रहना होता है, तब तुझे पता चलेगा कि व्हाट इज़ अ फैमिली से काफ़ी दूर रहने का नतीजा। और यार अगर कुछ बनना चाहते हो ना, एक्सक्यूजेस छोड़ दो, बहुत लोग आएंगे आपको एक्सक्यूजेस बताने के लिए, और आपका माइंड है ना इतना पावरफुल है, अगर आप ना सोच लिए ना कि मैं इस कारण से नहीं कर सकता, आपका माइंड है ना 10 बातें और जिसके अंदर जोड़ देगा, बोलेगा तू इसलिए और भी नहीं कर सकता। अगर आप बोलोगे सुबह उठने में नहीं हो रहा है, माइंड और लाके छोड़ देगा यार ये प्रॉब्लम है, किसी ने बोला था 8 घंटे सोना है, किसी ने बोला था वो करना है, भाई सोना बंद करो, काम करना स्टार्ट करो, प्लीज वी हैव टू डू इट, तुम ही अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, कोई और नहीं चेंज करने वाला है। कितना बार समझाए, कितना बार बताए, सब लोग जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर देख, जितने भी मोटिवेशन ले लो, सब लोग का मानना यही है कि मैं चाहे कुछ भी बोल दूं मगर जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला आपकी लाइफ में, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है यार। सो प्लीज सोना बंद करो, उठो, अरे आपको आदत पड़ी हुई है ज्यादा सोने की, एक थोड़ा थोड़ा आधा आधा घंटा कम करो और उठो, करके दिखा दो कि मेरे में इतना पोटेंशियल है, मैं कर सकता हूं। इसके लिए किसी और ज्यादा स्पीच की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, थैंक यू। अगर आप समझ में आ गए होगे, आपका ड्रीम, आपका पैशन, आप जो जिसे प्यार करते होगे, तो इसीलिए इतना बहुत बड़ी बात है आपके माइंड में घुसने के लिए, आपके माइंड में आने के लिए, तो प्लीज़ उठिए, करिए, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, लगाइए अपने अंदर एक चिंगारी, लगाइए वो आग, और आपको अच्छा लगे ना तो प्लीज़ शेयर करिए, फैला दीजिए आग की तरह, और सब्सक्राइब बटन दिख रहा ना ये वाला, हिट करिए सब्सक्राइब बटन, और बेल आइकॉन को भी हिट करिए, आग लगा दीजिए, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ कुछ लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को, कुछ लोगों को पसंद आ रहा है मेरी बातों को, और लाइक करिए, शेयर करिए, कुछ तो करिए, बेल आइकॉन नहीं पसंद आ रहा है डिसलाइक तो करिए, मेरे को पता तो चला आपने देखा है वीडियो, आपको नहीं पसंद आया और पसंद आया है, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, मोटिवेशन से ग्रे रहने के लिए, साइनिंग ऑफ, सी यू सून गाइस।